न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और बात करते हैं रीवा की, जहां भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वयक समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल भी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोनी के ठकुराल टोला और ग्राम बहेलिया आखिर रास्ता विहीन क्यों है। सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि जोनी के ठकुराल टोला, जिसके सामने से रेलवे ट्रैक है, घर के सामने से रेलगाड़ी गुजरती है महानगरों के सफर के लिए, वहीं इस गांव के लोग आज तक रास्ता विहीन है। चुनाव में लगातार आश्वासन के सिवाय इन्हें कुछ नहीं मिला। रीवा जिला मुख्यालय से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित ये गांव आज भी रास्ता विहीन है। बारिश में आना जाना यहां मुश्किल हो जाता है, जबकि किसान अपने रास्ते के लिए अपने हिस्से की भूमि भी देने को तैयार है। वहीं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण आज भी ये गाँव पहुँच मार्ग से वंचित है। किसान नेता सुब्रत ने जिला प्रशासन और सिमरिया के विधायक से मांग की कि तत्काल पहल कर रास्ते का निर्माण कराया जाए। उनका कहना है कि अगर अभी ध्यान दिया जाएगा तो कम से कम बारिश के पहले रास्ता चलने लायक बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। अपना यहाँ कब से रह रहे हैं? अरे 50 बारिश होगी तो आपका बताइए, रोड नहीं बन पाई। अब हता मरू जाप साल दो साल रोड नहीं बनी। आप हमें जानते हैं क्या ले जाओ वहाँ सबका मालूम है, तिघा कहीं का घर आए। यहाँ गांव बहेलिया में हम हरिजन लोग कम से कम 50-60 घर हैं, यहाँ रहते हैं कम से कम 45 वर्ष से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम लोगों को रास्ता आज तक नहीं मिली। अब बरसात में हम लोगों को इतनी परेशानी होती है कि कुछ कहने लायक नहीं है। हम जबकि हम लोग अपनी ज़मीन भी देने को तैयार हैं, रेलवे से लेकर के यहाँ तक हमारे लोगों के हजन है कि ज़मीन है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। श्रीमान जी से, विधायक जी से, मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से सबसे निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को रास्ता देने की कृपा की जाए। हम राजमणि यादव, ये बहेलिया एरिया है, जोनी में लग रहा है, और ये रोड जो है हम लोग पुश्तैनी रह रहे हैं तब से आज तक नहीं बनी, और जो भी यहाँ पे अभी तक बने आश्वासन दिए लेकिन काम नहीं किए। आश्वासन तो दे के जाते हैं, हम जीतने के बाद ऐसा काम कर देंगे लेकिन करते नहीं।